हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम सिक्स्थ सेम के सब्जेक्ट इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक नया चैप्टर प्राइस लेवल अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी अकाउंटिंग का एक एट्रीब्यूट है, यानी कि विशेषता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यह बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाएगा जिन्हें इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस किया जा सके। यह भी अज्यूम किया गया है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ की जाने वाली मॉनेटरी यूनिट नेचर में भी स्टेबल हो। फिर भी बहुत से डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन के बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाने से यह कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। इन्फ्लेशन मीन्स प्राइसेस का कॉन्टीन्यूसली राइज करना। इससे मोनेटरी यूनिट की परचेजिंग पावर डाउनवर्ड आ जाती है। इस तरह मोनेटरी यूनिट की परचेजिंग पावर में आने वाले चेंज को ध्यान में ना रखते हुए प्रिपेयर की गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनकी इम्पोर्टेंस खो देती हैं। इसलिए ये डिमांड हो रही है कि बिजनेस एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल इन्फ्लेशन एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी चाहिए। प्राइस लेवल चेंज होने पर फाइनेंशियल अकाउंट्स को किन किन तरीकों से एडजस्ट किया जा सकता है, उन्हें सब्जेक्ट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में स्टडी किया जा सकता है। प्राइस लेवल चेंजेस से हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंट्स में फॉलोइंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ रियलिस्टिसिटी। कन्वेंशनल सिस्टम में प्रिपेयर की गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बेस्ड थी। उसमें प्राइस लेवल चेंजेस को कंसीडर नहीं किया जाता था, जिससे कंसर्न के अफेयर्स की ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं मिल पाती थी। सेकंड पॉइंट, इनसफिशिएंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम में डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से फंड्स को ओरिजिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही अक्यूमुलेट यानी कि कलेक्ट किया जा सके ताकि रिप्लेसमेंट की जा सके। बट इन्फ्लेशन के दौरान रिप्लेसमेंट कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इस पर्पस के लिए अक्यूमुलेटेड फंड्स थोड़े रह जाएंगे। थर्ड पॉइंट, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स। हिस्टोरिकल सिस्टम में प्रॉफिट्स को नॉर्मली ओवरस्टेट किया जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज किया जाता है जो कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कम होती है। इसलिए ओवरस्टेटमेंट से प्रॉफिट्स ज़्यादा शो होंगे, जिससे एम्प्लॉयज़ को और भी बोनस और शेयर होल्डर्स को और भी डिविडेंड पे करना होगा। इस तरह कैपिटल की कमी हो जाएगी और कंपनी लिक्विडेशन की ओर चली जाएगी। फोर्थ पॉइंट, अनरियलिस्टिक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस कॉस्ट पे शो किया जाता है जिस पे उन्हें एक्वायर या परचेज किया गया हो, और डिफरेंट पॉइंट्स पे परचेज्ड एसेट्स को क्लब कर लिया जाता है और रुपी की परचेजिंग पावर में आने वाले चेंज को कंसीडर नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, हमने 1990 में 120,000 की कॉस्ट पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की और 2000 में सिमिलर बिल्डिंग 270,000 में कंस्ट्रक्ट की। रुपी की वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं है, यह 2000 में कम है। इस तरह अबव कैलकुलेटेड वैल्यू रिलायबल नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट, डिफरेंट बेसिस। कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में फिक्स्ड एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो किया जाता था, जबकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स को करंट प्राइसेस पे शो किया जाता था। इस तरह डिफरेंट बेसिस अडॉप्ट करने से बिजनेस की करेक्ट और रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। सिक्स्थ पॉइंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मे बी मिसलीडिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट किया जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को लेस वैल्यू पे शो किया जाता है, और फिक्स्ड एसेट्स को अंडरस्टेट किया जाता है, क्योंकि इन्हें ओरिजिनल कॉस्ट पे शो किया जाता है। इस तरह
ऐसी कैपिटल पे कैलकुलेट की गई रिटर्न से डिसीजंस मिसलीडिंग यानी कि रॉन्ग हो जाएंगे। सेवन्थ पॉइंट, वॉयलेशन ऑफ लॉ ऑफ एडिक्टिविटी। अगर करेंसी की परचेजिंग पावर सेम रहे तो डेटा को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, बट वैल्यू ऑफ रुपी प्राइस लेवल चेंजेस की वजह से सेम नहीं रहती। इस तरह डेटा का एडिशन या सब्सट्रैक्शन मीनिंगफुल रिजल्ट्स नहीं देगा, जिससे लॉ ऑफ एडिक्टिविटी की वॉयलेशन होगी। एट्थ पॉइंट, नॉन मोनेटरी आइटम्स इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मोनेटरी के साथ साथ नॉन मोनेटरी आइटम्स भी इंक्लूड होते हैं। मोनेटरी आइटम्स यानी कि कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा को करंट मनी वैल्यू पे शो किया जाता है, बट नॉन मोनेटरी आइटम्स को उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो किया जाता है, ना कि करंट प्राइसेस पे। इस तरह बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे पाती। नाइन्थ पॉइंट, मिक्सिंग अप होल्डिंग गेंस एंड ऑपरेटिंग गेंस। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग के केसेस में होल्डिंग गेंस और ऑपरेशन गेन में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता और इसी तरह प्रॉपर डिसीजन लेने में हेल्प नहीं होती। टेंथ पॉइंट, हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस। प्रॉफिट्स पे टैक्सेस लगाने पर प्रॉफिट्स का लार्ज पोर्शन टैक्सेशन में चला जाता है। और सेकंड टॉपिक इज मीनिंग ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग। किसी टाइम पीरियड में गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस में चेंजेस होने को ही प्राइस लेवल कहते हैं। प्राइस लेवल के राइस होने को इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन के पीरियड के दौरान मनी की परचेजिंग पावर डिक्लाइन कर जाती है। जनरल प्राइस लेवल के फॉल हो जाने को डिफ्लेशन कहा जाता है। डिफ्लेशन के पीरियड के दौरान मनी की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। प्राइस लेवल चेंज मीन्स किसी टाइम पीरियड के दौरान मनी की परचेजिंग पावर का इंक्रीज या डिक्रीज हो जाना है। जो अकाउंटिंग इस प्राइस लेवल के चेंजेस को कंसीडर करती है उसे प्राइस लेवल अकाउंटिंग कहते हैं। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सभी आइटम्स को करंट वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है। इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन का ट्रू एंड फेयर व्यू मिल पाता है। प्राइस लेवल अकाउंटिंग को इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स और मेथड्स ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट, करंट परचेजिंग पावर CPP मेथड। करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग में कंपनीज को उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे शो किया जाता है, बट बाद में अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने पर ज़रूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स को करेंसी की करंट परचेजिंग पावर पे भी शो किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग RCA। इस टेक्निक में इंडेक्स को यूज़ किया जाता है जो कि कंपनी के पर्टिकुलर एसेट्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है और ये इंडेक्स जनरल प्राइस इंडेक्स नहीं होता। इस तरह रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक को करंट परचेजिंग पावर टेक्निक की इम्प्रूवमेंट कंसीडर किया जा सकता है, यानी कि जो हमारा CPP मेथड है उसमें चेंजेस करके हमने RCA मेथड बनाया है। थर्ड पॉइंट, करंट वैल्यू अकाउंटिंग CVA। करंट वैल्यू अकाउंटिंग में सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में उनके करंट वैल्यू पे शो किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि बैलेंस शीट एंड PNL अकाउंट को प्रिपेयर करते समय सभी आइटम्स को उनकी करंट वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि उनकी हिस्टोरिकल या ओरिजिनल कॉस्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ट्रू एंड फेयर व्यू। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को उनकी करंट वैल्यू पे शो किया जाता है, जिससे बैलेंस शीट किसी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू एंड फेयर व्यू शो करती है। सेकंड पॉइंट, फैसिलिटेट इजी रिप्लेसमेंट। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में एसेट्स को उनकी करंट वैल्यू पे शो किया जाता है, ना कि हिस्टोरिकल वैल्यू पे। इस तरह डेप्रिसिएशन को करंट वैल्यू पे चार्ज किया जाता है, ना कि हिस्टोरिकल वैल्यू पे, जिससे इजी रिप्लेसमेंट हो पाती है। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ इनकम।
हिस्टोरिकल कॉस्टिंग से प्रॉफिट्स की ओवरस्टेटमेंट होती है, क्योंकि रेवेन्यू को करंट प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है और एक्सपेंसेस को उस प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है जिस पे वो इनकर हुए हों। बट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज दोनों को करंट वैल्यू पे शो किया जाता है, जिससे इनकम की प्रॉपर मेजरमेंट हो पाती है। फोर्थ पॉइंट, इजी एनालिसिस। इससे रेशोस को हिस्टोरिकल कॉस्ट की जगह करंट वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, जिससे उनका एनालिसिस इजी और मीनिंगफुल हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट, करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू वर्कर्स एंड प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में सभी आइटम्स को उनकी प्रेजेंट वैल्यू पे शो किया जाता है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन के एब्सेंस के केस में वर्कर्स हाई वेजेस क्लेम कर सकते हैं और स्टेक होल्डर्स भी हाई डिविडेंड्स क्लेम कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में प्रॉफिट्स को डिटरमाइन करने के लिए रेवेन्यूज को एक्सपेंसेस के साथ करंट प्राइसेस पे मैच किया जाता है, ताकि परफॉर्मेंस के रियलिस्टिक असेसमेंट की जा सके। सेवन्थ पॉइंट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट और रेवेन्यूज को करंट प्राइसेस पे मैच किया जाता है, इसीलिए एंटिसिपेटेड यानी कि जो हमने पहले सोचे थे और एक्चुअल प्रॉफिट्स को भी सेम परचेजिंग पावर के रुपी में एक्सप्रेस किया जाना ज़रूरी है, और इस तरह मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट, नॉट एक्सेप्टेबल टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट, कॉम्प्लिकेटेड। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में बहुत सी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, और ये कैलकुलेशंस प्रोसेस को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। थर्ड पॉइंट, नॉन एंडिंग प्रोसेस। प्राइसेस का चेंज होना एक नॉन एंडिंग यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है। फोर्थ पॉइंट, अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट में ओरिजिनल कॉस्ट को एसेट की इफेक्टिव लाइफ तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी कि टाइम के साथ साथ एसेट की थोड़ी थोड़ी वैल्यू कम होती जाती है। फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ रियलिस्टिसिटी। प्राइस लेवल अकाउंटिंग के अंडर डिस्क्लोज्ड प्रॉफिट रियलिस्टिक प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि इसमें आइटम्स को करंट वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है और इसे ऐसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाना चाहिए। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से कैपिटल इरोजन होगा, जो कि डिज़ायरेबल नहीं होगा। आगे हम प्राइस लेवल अकाउंटिंग के मेथड्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट मेथड है करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग। यह मेथड तब यूज़ किया जाना चाहिए जब आइटम्स की वैल्यू में चेंज हो रहे हों। इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा को गिवन डेट पे अप्रूव्ड जर्नल प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होलसेल प्राइस इंडेक्स को ऐसा जर्नल प्राइस इंडेक्स लिया जा सकता है। यह मेथड तब यूज़ किया जाता है जब जर्नल प्राइस लेवल के चेंजेस की वजह से आइटम्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। इस मेथड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन टर्म ऑफ यूनिट मेजरमेंट प्रेजेंट किया जाता है। जब कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों प्राइस लेवल चेंज होने की वजह से चेंज हो रहे हों। CPP मेथड में हिस्टोरिकल फिगर्स को करंट परचेजिंग पावर में चेंज करने का फॉलोइंग मेथड है। करंट परचेजिंग पावर इक्वल टू हिस्टोरिकल फिगर इनटू प्राइस इंडेक्स एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन बाय प्राइस इंडेक्स एट द डेट ऑफ एग्जिस्टिंग फिगर्स। इसकी टेक्निक्स हैं, फर्स्ट पॉइंट, मिड पीरियड कन्वर्जन। परचेजेस, सेल्स, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा जैसे आइटम्स के कन्वर्जन के लिए जो कि थ्रू आउट ईयर अकर हो रही हों, उनके लिए एवरेज इंडेक्स यूज़ किया जाता है। एवरेज इंडेक्स ऑफ एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ पीरियड के इंडेक्स नंबर्स की एवरेज लेकर कैलकुलेट किया जाता है। इसका मेथड है एवरेज इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स एट द बिगनिंग प्लस इंडेक्स एट द एंड बाय टू। सेकेंड पॉइंट, मोनेट्री एंड नॉन मोनेट्री अकाउंट्स।
फर्म के टोटल एसेट्स को टू पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, मोनेटरी एंड नॉन मोनेटरी। मोनेटरी एसेट्स और लाइबिलिटीज वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक मोनेटरी क्लेम रिप्रेजेंट करते हैं, और मनी की परचेजिंग पावर में चेंज होने पर इनकी रीअसेसमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती। इनकी अमाउंट प्राइस लेवल में चेंजेस की जगह बाय कॉन्ट्रैक्ट फिक्स की जाती हैं। सेकंड पॉइंट है नॉन मोनेटरी एसेट्स। नॉन मोनेटरी एसेट्स और लाइबिलिटीज वो होती हैं जो एक स्पेसिफिक मोनेटरी क्लेम रिप्रेजेंट नहीं करती, और मनी की परचेजिंग पावर चेंज होने पर इनकी रीअसेसमेंट की भी ज़रूरत होती है। इन एसेट्स की मोनेटरी एसेट्स की तरह फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, और ना ही मोनेटरी एसेट्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। सिर्फ नॉन मोनेटरी एसेट्स को ही CPP में एडजस्ट किया जा सकता है। अबव मेथड से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कन्वर्ट करने से कुछ गेन या लॉस आता है। यह गेन या लॉस मोनेटरी आइटम से ही अराइज होता है, ना कि नॉन मोनेटरी एसेट्स की रियल वैल्यू से। थर्ड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड इन्वेंट्रीज। इन्फ्लेशन से प्रॉफिट्स की ओवर स्टेटमेंट हो जाती है, क्योंकि इन्वेंट्री के परचेज और सेल में एक टाइम गैप होता है। सेल्स को इंक्रीज्ड प्राइसेस पे शो किया जाता है, और परचेजेस को लोअर वैल्यू पे शो किया जाता है, जो कि प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड होती हैं। इस तरह इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स की एडजस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी होती है। यह एडजस्टमेंट इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए अडॉप्ट किए जाने वाले मेथड लीफो या फीफो पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। CPP मेथड में प्रॉफिट को टू वेज में डिटर्मिन किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, नेट चेंज मेथड। इस मेथड में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट्स को इंडेक्स नंबर्स यूज़ करके करंट प्राइस टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अगर इक्विटी को भी कन्वर्ट किया जा रहा हो तो बैलेंस शीट का डिफरेंस ऐसा रेवेन्यू लिया जाएगा। अगर इक्विटी को कन्वर्ट ना किया जा रहा हो तो बैलेंस शीट का डिफरेंस ऐसा इक्विटी लिया जाएगा। अगर इक्विटी कन्वर्ट की गई हो तो मोनेटरी आइटम्स रिजर्व्स की इक्वल होंगी, या अगर इक्विटी को कन्वर्ट ना किया गया हो तो इक्विटी इक्विटी के ही इक्वल होगी। सेकंड पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ इनकम मेथड। इस मेथड में हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे प्रिपेयर की गई इनकम स्टेटमेंट्स को CPP टर्म्स में रीस्टेट किया जाता है, जो कि फॉलोइंग बेसिस पे होता है। फर्स्ट पॉइंट, परचेजेस, सेल्स और दूसरे एक्सपेंसेस को एवरेज इंडेक्स पे कन्वर्ट किया जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स को पीछे किए गए मेथड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा। टैक्सेस और डिविडेंड्स पेड को उन इंडेक्सेस के बेसिस पे कन्वर्ट किया जाएगा जब उन्हें पे किया गया हो। फिक्स्ड एसेट्स को उस इंडेक्स के बेसिस पे कन्वर्ट किया जाएगा जब उन्हें परचेज किया गया हो। मोनेटरी गेन और लॉस को भी पीछे डिस्कस किए गए मेथड के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट या डिटरमाइन किया जाएगा। नाउ मेरिट्स ऑफ CPP मेथड। इस मेथड में अप्रूव्ड जर्नल प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आइटम्स की हिस्टोरिकल वैल्यू को करंट वैल्यू में एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू एंड फेयर व्यू मिल पाता है। सभी आइटम्स को करंट वैल्यू में रिकॉर्ड करने से बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस मीनिंगफुल हो जाता है। इस मेथड से परफॉर्मेंस की रियलिस्टिक असेसमेंट हो पाती है। एक्चुअल प्रॉफिट्स को करंट प्राइसेस पे एक्सप्रेस करने से मैनेजमेंट करेक्ट डिसीजंस ले पाती है। यह मेथड रिप्लेसमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि एसेट्स को करंट वैल्यू पे शो किया जाता है, ना कि हिस्टोरिकल वैल्यू पे। इसलिए डेप्रिसिएशन भी हिस्टोरिकल कॉस्ट की जगह करंट वैल्यू पे चार्ज किया जाता है, जिससे इजी रिप्लेसमेंट हो पाती है। डीमेरिट्स ऑफ CPP। इस मेथड में जर्नल इंडेक्स यूज़ किया जाता है, ना कि स्पेसिफिक इंडेक्स, जिससे कंक्लूजन रॉन्ग भी हो सकते हैं। इसमें बहुत सी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, और ये कैलकुलेशंस प्रोसेस को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। प्राइसेस का चेंज होना एक नॉन एंडिंग प्रोसेस है। आइटम्स को करंट वैल्यू पे लेकर डिस्क्लोज किए गए प्रॉफिट्स रियलिस्टिक प्रॉफिट्स नहीं होते, और इन्हें ऐसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाना चाहिए।
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से कैपिटल की कमी हो जाती है जो कि डिसायरेबल नहीं होगी। प्राइस लेवल अकाउंटिंग का हमारा सेकेंड मेथड है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड CPP मेथड का एक अल्टरनेटिव है, यानी कि इसे उसकी जगह यूज़ किया जा सकता है। करंट परचेजिंग पावर में आइटम्स की वैल्यू को कलेक्टिवली यानी कि एक साथ चेंज किया जाता है, बट इसमें इंडिविजुअल आइटम्स की वैल्यू में चेंज को कंसीडर नहीं किया जाता था। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की जिसका नाम क्या था, सैंडलैंड्स कमेटी, जिसने प्राइस लेवल चेंजेस के लिए अकाउंटिंग को कंसीडर और रेकमेंड किया। इस मेथड में आइटम्स की हिस्टोरिक वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं किया जाता था। इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए इंडिविजुअल आइटम्स की करंट वैल्यू कंसीडर किया जाता है। इस तरह इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि आइटम्स को जनरल प्राइस में चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं किया जाता, उन्हें स्पेसिफिक लेवल अप्रोच के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। फीचर्स ऑफ CCA, फिक्स्ड एसेट्स को बैलेंस शीट में करंट वैल्यू पे शो किया जाता है और उन्हें हिस्टोरिक कॉस्ट पे डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। स्टॉक्स को करंट मार्केट प्राइस पे शो किया जाता है, जिन्हें हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंट में उस प्राइस पे शो किया जाता है जो कि कॉस्ट या मार्केट प्राइस इनमें से जो भी कम हो। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट्स की करंट वैल्यू पे चार्ज किया जाता है। ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एट द डेट ऑफ कंजम्पशन के प्रवेलिंग प्राइस के बेसिस पे असर्टेन किया जाता है, ना कि एट द डेट ऑफ परचेज। मॉनेटरी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को इस मार्केट में एडजस्ट नहीं किया जाता क्योंकि उन्हें हमेशा उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है जो वैल्यू उनकी बिजनेस के लिए हो। इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट का सरप्लस शेयर होल्डर्स को ऐसा डिविडेंड पे करने के लिए अवेलेबल नहीं होता। CCA मेथड में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस भी प्रिपेयर की जाती हैं। इस मेथड में अकाउंटिंग प्रॉफिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, करंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रियलाइज्ड होल्डिंग गेन और अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन। पहले टाइप है करंट कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए CCA मेथड में फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। फर्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट। इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि करंट कॉस्ट करंट रेवेन्यू के साथ मैच होनी चाहिए। इसमें सेल की एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सेल पहले से करंट प्राइस पे होती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट की एडजस्टमेंट भी नहीं की जाती क्योंकि सभी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी करंट कॉस्ट होती हैं। बट इन केस ऑफ स्टॉक कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। अगर कोई स्टॉक ना हो तो एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसका मेथड है COSA इक्वल टू C-O-IA इन ब्रैकेट C/IC माइनस O/IB ब्रैकेट क्लोज। COSA का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट, C का मतलब है हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, O का मतलब है हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, IA का मतलब है एवरेज इंडेक्स नंबर फॉर द पीरियड, NIC का मतलब है इंडेक्स नंबर एप्रोप्रिएट टू क्लोजिंग स्टॉक, IB का मतलब है इंडेक्स नंबर एप्रोप्रिएट टू ओपनिंग स्टॉक। सेकंड पॉइंट, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट्स की करंट वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाना चाहिए, ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। CCA मेथड में करंट डेप्रिसिएशन को फॉलोइंग फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। बैकलॉग डेप्रिसिएशन किसी पीरियड के दौरान होने वाले प्राइस राइज के इफ़ेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जब एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है तो डेप्रिसिएशन में शॉर्टफॉल आ जाएगा, जिसे बैकलॉग डेप्रिसिएशन कहते हैं। और इस केस में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के टोटल को इनक्रीज़ करने के लिए एडिशनल अमाउंट की ज़रूरत हो सकती है।
थर्ड पॉइंट मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल कैपिटल का वो पार्ट होती है जो डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। वर्किंग कैपिटल को करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को डिडक्ट करके कैलकुलेट किया जा सकता है। मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट कंप्यूट करने का मेथड बिलो गिवन है, आप इसे खुद रीड कर लेना। फोर्थ पॉइंट है गियरिंग एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट में शो किए जाने वाले नेट ऑपरेटिंग एसेट्स नॉर्मली पार्शली बोरिंग के द्वारा फाइनेंस्ड होते हैं। गियरिंग बोरोड कैपिटल और शेयर होल्डर्स के फंड्स की रेशो होती है। इन्फ्लेशन के पीरियड में शेयर होल्डर्स प्राइस राइज होने का एडवांटेज एन्जॉय करते हैं, क्योंकि प्राइस राइज होने का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को फुली दिया जाता है। क्योंकि रीपे की जाने वाली बोरोड कैपिटल एग्रीमेंट के द्वारा फिक्स्ड होती है और ये प्राइसेस चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती, इसी तरह प्राइसेस फॉल करने के पीरियड में शेयर होल्डर्स को लॉस होता है। बोरिंग के पीरियड में बोरिंग के प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट करने के लिए एडजस्टमेंट की जानी ज़रूरी है, जिसका फॉर्मूला बिलो गिवन है। हमारा थर्ड टाइप का गेन है रियलाइज्ड होल्डिंग गेन। जब किसी इंडेक्स को उसके ओरिजिनल परचेज प्राइस से हायर प्राइस पे सेल किया जाता है तो उस केस में रियलाइज्ड गेन होता है। यह तब अकर होता है जब एसेट को उस लेवल पे सोल्ड किया जाता है जो उसकी बुक वैल्यू कॉस्ट से एक्सीड हो जाए। किसी नॉन मोनेटरी एसेट को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस पे सेल करने की रिप्लेसमेंट कॉस्ट की एक्सेस अमाउंट ही रियलाइज्ड होल्डिंग गेन होती है। फोर्थ टाइप का गेन है अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन। अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन वो होता है जो किसी बिजनेस या इंडिविजुअल के द्वारा किसी एसेट को होल्ड करी रखने से उसकी वैल्यू के इंक्रीज हो जाने पर होता है। एंटिटी की इनकम स्टेटमेंट में इसे ऐसा रियलाइज्ड गेन रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। अगर एक बार एसेट सोल्ड हो जाए तो ही उसे रियलाइज्ड गेन कंसीडर किया जा सकता है, बट अनरियलाइज्ड गेन के केस में एसेट्स को तभी भी होल्ड करके रखा जाता है चाहे उसके वैल्यू में गेन अकर ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे फर्दर और भी गेन होने की एक्सपेक्टेशन होती है। या ऐसा भी हो सकता है कि ओनर उस एसेट को इसलिए होल्ड कर रहा हो क्योंकि वो उसकी सेल पे होने वाले गेन पे टैक्स ना पे करना चाहता हो। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग RCA टेक्निक CPP टेक्निक की एक इम्प्रूवमेंट होती है। CPP टेक्निक की सबसे बड़ी वीकनेस यह थी कि उसमें कंपनी के पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड इंडिविजुअल प्राइस इंडेक्स को कंसीडर नहीं किया जाता था। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक में एक ऐसा इंडेक्स यूज़ किया जाता है जो कि कंपनी के पर्टिकुलर एसेट्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है और यह जर्नल प्राइस इंडेक्स नहीं होता। बट RCA अडॉप्ट करने का मतलब यह हुआ कि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कन्वर्जन में बहुत से इंडेक्सेस की ज़रूरत होगी और किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए एक स्पेसिफिक इंडेक्स का पता लगाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। इसके साथ ही यह टेक्निक इसके सब्जेक्टिविटी के एलिमेंट की वजह से बहुत से थिंकर्स के द्वारा क्रिटिसाइज की गई। डेप्रिसिएशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्राइस लेवल चेंजेस की एक प्रॉब्लम ये भी है कि फिक्स्ड एसेट्स पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाए। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का पर्पस टू फोल्ड होता है, किसी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रू एंड फेयर व्यू देना। सेकंड पॉइंट, एसेट की लाइफ के एक्सपायर हो जाने के बाद उसके रिप्लेसमेंट के लिए सफिशिएंट फंड्स प्रोवाइड करना। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने से इनमें से कोई भी पर्पस फुलफिल नहीं हो सकता था। मान लीजिए 2000 में ₹1,00,000 की परचेज की गई मशीन की लाइफ 10 ईयर्स है। अगर डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज किया जाएगा तो 10 ईयर्स के बाद भी हम 1,00,000 के डेप्रिसिएशन से प्रोवाइड किया जा सकेगा, बट इन्फ्लेशन की वजह से मशीन की कॉस्ट ₹2,00,000 हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए तब अगर उस मशीन को रिप्लेस किया जाएगा तो उसे रिप्लेस करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज होगी। यहाँ यह प्रूव हो गया है कि डेप्रिसिएशन
कम चार्ज करने से प्रॉफिट्स की ओवरस्टेटमेंट हो जाएगी और डिविडेंड्स और टैक्सेस की ज़्यादा पेमेंट करनी होगी, जिससे एसेट रिप्लेस करने के लिए हमारे पास फंड्स इनसफिशिएंट यानी कि कम होंगे। इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिक्स्ड एसेट्स को रिप्लेसमेंट कॉस्ट वैल्यू पे वैल्यू करना और उसी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे ही डेप्रिशिएट करना ज़रूरी हो गया है। प्रॉब्लम्स जब तक एक्चुअल में रिप्लेसमेंट नहीं की जाती तब तक रिप्लेसमेंट कॉस्ट को एक्यूरेटली फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट, रिप्लेस किए जाने वाले न्यू एसेट्स ओल्ड एसेट्स की तरह सेम टाइप और क्वालिटी के नहीं होंगे, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट्स होती रहती हैं और क्वालिटीज़ इम्प्रूव होती रहती हैं। थर्ड पॉइंट, इनकम टैक्स एक्ट में एक्चुअल कॉस्ट मेथड यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अलावा कोई और मेथड ही नहीं दिया गया। फोर्थ पॉइंट, फिक्स्ड एसेट्स को बैलेंस शीट में शो नहीं किया जा सकता अगर प्राइसेस स्टेबल नहीं होंगे। इस तरह रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर भी प्रॉफिट्स रिटेन करना और डिविडेंड्स को रिस्ट्रिक्ट करना अभी भी एडवाइजेबल है, ताकि फिक्स्ड एसेट्स के रिप्लेसमेंट के लिए फंड्स प्रोवाइड किए जा सकें। इस पर्पस के लिए स्पेशल कैपिटल रिजर्व्स या रिप्लेसमेंट रिजर्व्स भी एसेट की एक्चुअल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन के साथ प्रोवाइड किए जाने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन प्राइस लेवल एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी अप्रोच है जिसमें एसेट्स को उसकी एक्चुअल वैल्यू के बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है और इसमें इन्फ्लेशन के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती और ना ही कोई एक्स्ट्रा मनी पे की जाती है। प्राइस लेवल अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्फ्लेशनरी चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स का ओरिजिनल कॉस्ट पे बेस्ड होना ज़रूरी है। प्राइस लेवल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सभी आइटम्स को करंट वैल्यूज पे रिकॉर्ड करके अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस इस आइटम की कंपनी को कितनी कॉस्ट पड़ी, यह फेयर मार्केट वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब अगर कंपनी एक बिल्डिंग परचेज करेगी तो उसे बैलेंस शीट में उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा, इसे फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, जो कि वो वैल्यू हो सकती है जिस पे कंपनी उस बिल्डिंग को ओपन मार्केट में सेल कर सकती है। प्राइस लेवल अकाउंटिंग की टेक्निक को हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से अराइज होने वाली प्रॉब्लम्स जो कि इन्फ्लेशन की वजह से होती हैं उन्हें दूर करने के लिए डेवलप किया गया। प्राइस लेवल अकाउंटिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड के दौरान किसी कंपनी के रियल फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।